हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूँ शिवानी और मैं आपके साथ आज लेके आई हूँ भक्ति की यह वीडियो। सो यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिन पर बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ता ही चला जाता है, जिनके घर में माता लक्ष्मी जैसे रूट सी जाती है, घर में धन की कमी हो जाती है, घर में धन बिल्कुल भी नहीं टिकता है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है आपके हाथों में, या फिर कुछ ऐसी बीमारियाँ हो जाती है जिसकी वजह से घर में अनचाहे खर्चे होते हैं, कर्ज लेना पड़ता है और धन की इस कमी के कारण आप हमेशा परेशान रहते हैं। तो कौन सा वो उपाय है जिसे करने से घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं रहेगी, इसके साथ ही आपके ऊपर जितना भी कर्ज है वो सब चुकता हो जाएगा। तो चलिए, उपाय बेलपत्र का है। तो बेलपत्र के पेड़ से ऐसा कौन सा उपाय, ऐसा कौन सा टोटका है जिसे करने से आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्या का निदान होगा, साथ ही साथ आपके जीवन में किसी भी तरीके के कर्ज है या फिर बहुत सालों से यह कर्ज नहीं चुक पा रहा है, आपके घर में बिल्कुल भी बरकत नहीं है, तो मैं ये उपाय आपको बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। धन से जुड़ी जो भी कमियां हैं या फिर आपके कर्ज बहुत ज़्यादा पड़ गया है पर्स है लेकिन वो बिल्कुल खाली रहता है, इस क्या है वो कारण जिसके कारण माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं, और उन्हें प्रसन्न कैसे करें। घर में कलह होना यह भी एक कारण है कि माता लक्ष्मी रूठ जाती है और घर में खर्चे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जिस घर में स्त्रियां लड़ती है या फिर स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जाता है वहाँ माता लक्ष्मी रूठ जाती है। कहा यह भी जाता है कि परेशानियाँ, जब आप डिप्रेशन में चले जाते हो झगड़े के कारण, इसीलिए अपने घर की जो भी महिलाएं हैं वो लक्ष्मी का रूप होती है, उनसे झगड़ा ना करें, उन्हें ही घर की लक्ष्मी माने, उन्हें अपने धन से जुड़ी चीज़ें दें, क्योंकि वही है जो घर संभालती है। घर में धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो बस एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से आपको उपाय बताती हूँ। सबसे पहले आपको बेलपत्र का एक छोटा सा पौधा अपने घर में लगाना है, या फिर पौधा कहीं भी बाहर भी हो तो आप ये उपाय कर सकते हैं। एक घी का दीपक आपको बनाना है, जो कि रुई उसमें यानी कॉटन है लगाकर आपको ये रुई आपको सोमवार के दिन यानी महादेव के दिन के कर्ज मुक्ति उपाय आप कर सकते हो। बेलपत्र के पेड़ के नीचे आप आसन लगा के बैठ जाइए, वहाँ पर एक घी की बाती लगा दीजिए और उसी के साथ एक छोटी सी कटोरी होगी अगर आपके घर में तो एक कटोरी चीनी, वहीं बेलपत्र की जड़ जहाँ होती है पौधे के वहीं पर आप चीनी रख दीजिए, ध्यान रखिए, और उसी चीनी पर यह घी की बाती रख दीजिए। यह चार सोमवार अगर यह क्रिया आप कर देते हो, यह उपाय कर देते हो तो कर्ज से मुक्ति ही नहीं साथ ही साथ धन की भी वृद्धि, आपको अचानक धन प्राप्ति के भी योग बनते दिखाई देंगे, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, साथ ही साथ जो माता लक्ष्मी रूठ गई है वो भी आपके घर आएगी, विराजमानेगी, और आपको ऐसा लगेगा कि आपके घर में धन की बरकत है, आपका जो कर्ज है वो धीरे धीरे किसी न किसी तरीके से चुकता हो चुका है, आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। और महादेव का यह उपाय करने से आपके जीवन में धन की कमी। कैसा लगा आपको यह उपाय? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं शिवानी फिर लेके आऊँगी आपके साथ भक्ति वाली और इसी तरीके से उपाय आपके जीवन में कष्ट मुक्ति के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो।